नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का इतिहास, जिसका चैप्टर का नाम है औद्योगिकीकरण का युग यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे बिंदुओं को देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि औद्योगिक क्रांति है क्या। तो औद्योगिक क्रांति, ये जो आप शब्द देख रहे हो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। तो इस वर्ड को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड को सबसे पहले इंग्लैंड के एक आर्थिक इतिहासकार थे जिनका नाम था अर्नाल्ड टॉयनबी। इन्होंने ही सबसे पहले पूरी दुनिया में इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? तो औद्योगिक क्रांति का। यानी अब आप समझ गए कि औद्योगिक क्रांति, बच्चा लोग पढ़ लेता है और चैप्टर का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि औद्योगिक क्रांति शब्द को प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद अब आप बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और कम से कम आप ये जवाब दे पाओगे कि इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले कौन किया था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के ही एक आर्थिक इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। चलिए ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि आखिर ये औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में है क्या। तो सब कुछ हम लोग एक एक करके समझते हैं। औद्योगिक देखोगे तो इसका सीधा रिलेशन ही आपको लग रहा होगा कि किस चीज से है, इंडस्ट्री से है। इंडस्ट्री यानी कि कल कारखानों से है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति का सीधा संबंध जो है वो किससे है, कल कारखानों से है, यानी कि प्रोडक्शन से है, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया से है। चलिए तो ठीक है, तो क्या ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई, क्या 1857 की क्रांति की तरह अचानक विस्फोट हो गई कि मंगल पांडे ने गन उठाया, धड़ाम 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 गोली मारने के लिए शुरू कर दिया, या भारत में हुए किसी अन्य विद्रोह या किसी अन्य क्रांति के समान है ये क्या औद्योगिक क्रांति। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया में क्या आई है, तेजी आई, काफ़ी तेजी आई। देखोगे आप यहाँ प्लस 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 करके रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है जिसने उत्पादन की प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित किया, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में काफ़ी तेजी लाई। तो किस प्रकार से हुआ, तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है वो पहला फैक्ट्री खुला। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंग्लैंड में सबसे पहला फैक्ट्री खुली कब, 1730 में। यानी अब आप इस बात को भी अब समझ पा रहे होंगे कि ये जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट है, वो कौन से कंट्री से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है। ये एक बड़ा टॉपिक है कि इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, ये क्लास 10 में आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, जबकि उससे ज़्यादा पावरफुल स्पेन था, उससे ज़्यादा पावरफुल हर चीज़ में यदि देखा जाए तो फ्रांस था, लेकिन इसके बावजूद भी है कल कारखानों का विकास, औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है वो कौन से देश से होती है, इंग्लैंड से। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो आपको क्लास 10 में नहीं जानना है। तो चलिए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो है वो कब हुई, 18वीं सदी के प्रारंभ में, और 19वीं सदी में इसमें काफ़ी क्या आई, तेजी आई। अभी तो हम बतला रहे थे इसके परिभाषा में, है ना, कि औद्योगिकीकरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि औद्योगिकीकरण जो है वो एक विकास की सतत प्रक्रिया है। तो ये विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कब होती है, 18वीं सदी, यानी 1730 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये चरमोत्कर्ष पे तो
कब पहुंचता है? 19वीं सदी में, यानी इसमें काफ़ी तेजी आ जाती है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आज भी जारी है, आज भी रोज नए कल कारखाने खोल रहे हैं, नए नए मशीन का इन्वेंशन हो रहा है और उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो रही है। आज भी मतलब इसकी शुरुआत 1730 से हुई, लेकिन ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि औद्योगिकीकरण जो है वो अचानक स्टार्ट हुआ और अचानक खत्म हो गया एक निश्चित समय के बाद। नहीं, शुरुआत हुई है 18वीं सदी में और ये आज भी चल रहा है। चलिए ठीक है, क्या हुआ भाई इसमें? तो उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आई। कैसे तेजी आ गई भाई, क्या हुआ अचानक जो ऐसा हो गया? तो चलिए समझते हैं कि पहले जो है वो उत्पादन जो किया जाता था, प्रोडक्शन करने का जो काम होता था वो हाथ से किया जाता था, हैंड्स से किया जाता था। हाथों से कारीगर जो होते थे वो अपने घरों पर, है ना, या अपने जो उनका कार्य स्थल होता था वहाँ पर वे उत्पादन तो करते थे और बेहतरीन चीज़ों का उत्पादन करते थे। ऐसा नहीं कि हाथ से उत्पादन करते थे तो वो ऐसा वैसा लो क्वालिटी की चीज़ों का निर्माण करते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो प्रोडक्शन जो भी करते थे तो वो हाथ से करते थे और बेस्ट क्वालिटी का होता था। लेकिन आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कोई भी काम को यदि आप करोगे हाथ से तो उसमें समय लगेगा, वो बहुत तेज गति से आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हो। आप अपने गांव आस पड़ोस में भी देखता होगा कि यदि घर में पापा चार गो या छह मजदूर को लगाए घर पे कि गड्ढा करने के लिए घर बनाना है या टंकी बनाना है, तो चार मजदूर 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तब जो है शौचालय की टंकी की खुदाई हो रही है, है ना। लेकिन भाई क्या हुआ कि आपके पड़ोसी जो थे वो एक जेसीबी बुला लिया और आधा घंटा के अंदर वो जेसीबी उससे बड़ा गड्ढा खोद कर आराम से निकल के चला गया। यानी ये बात तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हाथ से उत्पादन करने पर या हाथ से कोई भी काम को करने में वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन यही काम जब किस चीज़ से होने लगे, मशीन से किया जाने लगे, तो उसमें तेजी होती है, यानी प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ औद्योगिक क्रांति में, यानी औद्योगिकीकरण के विकास में यही चीज़ें हुई कि कल तक जो प्रोडक्शन हाथ से होता था वो प्रोडक्शन जो है अब क्या होने लगा, मशीन से होने लगा। ठीक है, और इसमें और भी चेंजेज आने की वजह है, देखिए इसी दौर में नए नए मशीनों का खोज हुआ, नए नए तरह के डिवाइसेस बने जिसने उत्पादन की प्रक्रिया को और भी तेजी ले आया। जैसे आप देखोगे एक पहला है फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल नाम की एक मशीन हुई जिसकी खोज 1733 ईस्वी में कौन किए थे, जॉन के नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसने भी प्रोडक्शन को बढ़ाया। इसी तरह 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का खोज किया, ये तो आपके क्वेश्चन भी है, स्पिनिंग जेनी आगे हम पढ़ाएंगे, है ना, कि 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने भी एक सूत कताई करने वाला एक मशीन बना दिया जिसका नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। तो इसने भी उत्पादन की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसी तरह 1769 में आर्क राइट महोदय ने वाटर फ्रेम का खोज कर दिया जिससे आगे चल के पावर लूम यानी कपड़ा का इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ, यानी कपड़ा में कपड़े का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी तेज हो गया। इसी प्रकार 1871 में जेम्स वाट साहब जो थे वो स्टीम इंजन को मॉडिफाई कर दिए, हालांकि स्टीम इंजन को सबसे पहले 1712 में 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकॉमन साहब ही बनाए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा था, यानी वो इतना डेवलप नहीं था। ये मशीन जो थी न्यूकॉमन साहब के द्वारा जो बनाया गया था स्टीम इंजन, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, इस वजह से इसका यूज करना बहुत हैंडी नहीं था, बहुत आसान नहीं था। लेकिन 1871 में जेम्स वाट ने उसको क्या किया भाई, मॉडिफाई कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया, उसमें सुधार कर दिया और स्टीम इंजन को इस प्रकार बना दिया कि अब आसानी से उसका यूज किया जा सकता है। तो एक के बाद एक हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मशीनों का खोज हुआ और जब मशीन आएंगे तो उसका यूज जब हम प्रोडक्शन करने में करेंगे तो उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो
बेझिझक क्या होगी, बहुत तेज हो जाएगी। और यही हुआ किसमें, औद्योगिकीकरण में। और क्या हुआ भाई, औद्योगिकीकरण के चलते हम लोग नए नए धातुओं का प्रयोग करना सीखे, जैसे किन किन धातुओं का, लोहा का और इस्पात का हम लोग वृहद पैमाने पर उपयोग करने के लिए शुरू किए, ठीक है। साथ ही साथ कल तक हम लोग जो सामान्य तौर पे कोयले पे डिपेंडेंट थे, ऊर्जा के साधन के रूप में कोयले का ही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम, वाष्प इंजन, ताप इंजन, विद्युत, इन सारी चीज़ों का हम उपयोग करना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो इंग्लैंड से शुरू होती है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की ओर यदि हम बढ़ें तो एक सवाल के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि क्या जिस समय औद्योगिकीकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी 1730 में पहला फैक्ट्री खुला, 18वीं सदी में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, तो क्या इसके पहले चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता था या होता था, है ना, ये एक सवाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हमें सोचना है कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, यानी उद्योगों के विकास के पहले विश्व में उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी से संबंधित आपका ये टॉपिक है, आदि औद्योगिकीकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आइए समझते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि आदि यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, यानी किसी भी चीज का इनिशियल स्टेज, किसी भी चीज के इनिशियल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, आदि। और यहीं पर तो जुड़ा हुआ है जी, क्या आदि औद्योगिकीकरण, यानी कि औद्योगिकीकरण की प्रारंभिक अवस्था। यानी अब आप समझ सकते होंगे कि आदि औद्योगिकीकरण क्या है, यानी उद्योगों के, कल कारखानों के विकास की प्रारंभिक अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, आदि औद्योगिकीकरण कहेंगे। चलिए और समझते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था है ये, किसकी प्रारंभिक अवस्था है भाई, तो उद्योग धंधों यानी कि कल कारखानों की प्रारंभिक अवस्था है ना। तो इस दौर में भी उत्पादन होता था, और वो उत्पादन कैसे किया जाता था, वृहद पैमाने पर, यानी कि इस दौर में भी हम चीज़ों का उत्पादन इस कदर करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी हम पूरा कर रहे थे, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो चीज़ों की डिमांड थी उसका भी हम लोग पूरा कर रहे थे, है ना। तो ये उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता था, तो चलिए ये उत्पादन कहाँ पे होता था, घरेलू स्तर पर ही होती थी। यानी कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आदि औद्योगिकीकरण क्या है। तो आदि औद्योगिकीकरण उस दौर की बात की जा रही है, वो एक ऐसा समय जब विश्व में कल कारखानों का विकास नहीं हुआ था, परंतु विश्व की मांग के अनुरूप हम लोग वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पे करते थे। इसी दौर को, इसी वक्त को क्या कहा गया है, आदि औद्योगिकीकरण कहा गया है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और यदि समझ में आया हो